एक्टर टर्न प्रोड्यूसर की लिस्ट में जुड़ा एक और नाम और वो है शाहिद कपूर का. लेट्स टेल यू व्हिच प्रोजेक्ट विल ही को प्रोड्यूस. रिसेंटली न्यूज आई थी कि शाहिद कपूर नॉर्थ ईस्ट के बॉक्सिंग चैंपियन डिंको सिंह की बायोपिक को कर रहे हैं को प्रोड्यूस. डायरेक्टेड बाय राजा कृष्ण मेनन, द फिल्म वाज सपोज्ड टू बिगिन इन जनवरी दिस ईयर बट इज नाउ बीइंग पुश्ड टू द सेकंड हाफ ऑफ 2019. मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शाहिद कपूर की फिल्म की स्क्रिप्ट में कई चेंजेस की वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो गया है. फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग दिल्ली में होगी जबकि ज्यादा हिस्सा मणिपुर में शूट किया जाएगा. व्हाइल एन इंटरनेशनल स्केड्यूल इज आल्सो बीइंग प्लान्ड. शाहिद कपूर हैज एडेड अनदर फेदर ऑन हिज कैप एंड उनकी पहली पिक्चर कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं होने वाली है. इट विल बी अ बायोपिक. एब्सोल्युटली. और बायोपिक जो है उसका ट्रेंड काफी समय से चलता आ रहा है एंड इट्स बीन अ सक्सेस. एवरीबॉडी वांट्स टू नो द स्टोरी. हिट फॉर्मूला है, बिल्कुल है. और सबको स्टोरी जाननी होती है कि कैसे वो सक्सेस तक पहुंचे, उनकी क्या स्ट्रगल्स रही है, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो संजू हो. एब्सोल्युटली. बायोपिक्स आर लाइक श्योर शॉट हिट थिंग एंड शाहिद कपूर एज अ प्रोड्यूसर जो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, को प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो भी एक बायोपिक है और वो है वन ऑफ द इंडियास फाइनेस्ट बॉक्सर्स डिंको सिंह. उनकी लाइफ पर बनेगी ये मूवी. 1998 में एशिया में गोल्ड मेडल लाए थे एंड हैट्स ऑफ टू हिम. और उनकी लाइफ पर ये मूवी बनेगी एंड एवरीवन इज रियली वेरी एक्साइटेड एंड शायद खुद इसमें उनका किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज डिंको सिंह इज फ्रॉम मणिपुर, ही इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों शाहिद कपूर, वाई नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर प्लेज द कैरेक्टर. बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ एंड हु chooses to make the film. Of course, एक director's liberty होती है. They want to explore it even commercially. Of course, story तो वो आपको बता रहे हैं. They are bringing it to the mass audience. But story कौन बता रहा है? That also really matters. And I liked how Marie Kom में I was about to say this. I mean, इस हिसाब से तो Marie Kom में प्रियंका चोपड़ा को play नहीं करना चाहिए था. जी, so basically also people it reaches to more audience if there is a superstar playing that beautiful story जो रिले कर रहे हैं वो सिल्वर स्क्रीन पे. एंड ऑल्सो फॉर एन एक्टर द नेक्स्ट बिग स्टेप इज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट हाउ मच विल यू कीप चार्जिंग यू नो द मेकर्स ऑफ द फिल्म. यू वांट टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग एंड बी अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म. और चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, लिस्ट गोज ऑन. और इस बार शायद इस साल के अंत तक कैटरीना कैफ का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ सकता है क्योंकि उन्होंने खुद ये इच्छा अपनी जाहिर की थी. खैर, शाहिद कपूर की वापस बात करते हैं तो यू नो यहाँ पे शाहिद कपूर ने एक ये भी कहा था दैट मैं इस मूवी में कोई नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज वो बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश हो जाता है. बट आई पर्सनली डोंट फील दैट बिकॉज मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा ने काम किया या फिर सुशांत सिंह ने धोनी में काम किया तो वो उनके जैसे नहीं दिख रहे थे. लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा अडेप्ट कर लिया था कि लिटरली लग रहा था कि सामने मैरी कॉम ही बॉक्सिंग कर रही है. एब्सोल्युटली. आई स्टिल रिमेंबर एमएस धोनी देखने के टाइम पे आई वाज लाइक हाउ कैन सुशांत सिंह राजपूत प्ले एमएस धोनी एंड दिस सो डिफरेंट लुकिंग पीपल. बट आफ्टर 5 minutes इनटू द फिल्म आई फॉरगॉट what MS Dhoni looks like. I started believing Sushant Singh Rajput as MS Dhoni. So it's about the body language. It's also about how you carry yourself throughout the film, especially when you relate to the legend who's alive and who you're watching every second day. So it's going to be challenging even for Shahid Kapoor ki kis tarike se wo, because he has a very lean feature. We saw him in Padmavat as well. So it'll be interesting to see how will he play Dinko Singh and I'm excited for this project.